हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक क्विक मीठे की रेसिपी। नाम आप खुद ही सिलेक्ट कर लीजिएगा या डिसाइड कर लीजिएगा, और मैंने तो इसका नाम रखा है क्रीमी मैंगो चंक्स। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये। तो इस मीठे को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बर्तन में पानी बॉयल कर लिया है। उसमें मैंने ऐड कर लिया है 2 टेबलस्पून के जितना साबूदाना, या तो साबूदाना जो भी आप बोल दें। इसको मैंने थोड़ी देर पहले सोक करके रखा हुआ था, ये इसमें मैं बॉयल कर लूँगी। एक और बर्तन ले लिया, उसमें मैंने ऐड कर लिया जेली जो मैंने ली है मैंगो फ्लेवर की, और इसमें मैं अब ऐड कर लूँगी बॉयल्ड वाटर। और आप अपने जो जेली जिस भी ब्रांड की है उसी के अकॉर्डिंग जितना भी पानी रिक्वायर्ड हो उतना लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास छोटा पैकेट था तो मैंने इसमें ऐड किया है तकरीबन 1 कप के जितना। हम सेट होने के लिए रखेंगे, तकरीबन 25 से 30 मिनट तक लगते हैं, ये आराम से सेट हो जाएगी। साबूदाना भी बॉयल हो चुके हैं और इसका पानी हम स्ट्रेन कर लेते हैं और साबूदाना किसी बर्तन में रख लेंगे, इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। इसको भी हमने रेस्ट दे दी थी और ये भी रेडी हो चुकी है। इसके छोटे छोटे से हम क्यूब्स कट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें मैंने ऐड कर ली है क्रीम, फ्रेश क्रीम है, तकरीबन 1 कप के जितनी मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसी के साथ ही मैं ऐड कर लूँगी कंडेंस मिल्क 1/2 कप के जितना, और कंडेंस मिल्क और क्रीम को हम मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे सबसे पहले मैंगो चंक्स 1 कप। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आप अपने टेस्ट और क्वांटिटी के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैंने इसमें ऐड कर लिया है बॉयल साबूदाना, और ये अभी चिपका चिपका ऐसे लग रहा है लेकिन ये फिर सही हो जाएगा। और इसी के साथ ही मैंने ऐड कर लिया जेली के क्रिस्टल्स, और अब हम इसको कर लेंगे मिक्स। और बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही यमी सा क्विक मीठा रेडी हो जाएगा। आपके पास गेस्ट बैठे हुए हैं और आपके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं तो आप क्विक बना के उसको सर्व कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। और मैं मिलूँगी आपके साथ एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।